नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की स्टोरी हम बात करेंगे पीटेट रिजल्ट 2021 के बारे में। जी दोस्तों, पीटेट रिजल्ट 2021 कुछ ही समय पश्चात आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा, तो आप इस रिजल्ट को महज 2 सेकंड में मोबाइल से किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ पीटेट 2021 से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आज की स्टोरी में आपको दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2021 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं कई सारे मित्र बंधु, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं वादा करता हूं कि अगर आपके 300 प्लस नंबर भी है ना, तब भी जॉब लक की वजह से आपको कॉलेज की सीट निश्चित ही मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसी बारे में जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कल शाम से जो सूचना आ रही थी कि पीटेट रिजल्ट 2021 आज की डेट में सुबह 10 बजे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे संबंधित दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी है आज के। इस न्यूज़ ने कुछ संशय कम कर दिया है कि भाई पीटेट का रिजल्ट जारी होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स साफ और स्पष्ट आप इसकी हेडलाइन देख सकते हैं, बीएड परीक्षा परिणाम आज जारी करेंगे भाटी। और इसी के साथ इसमें लिखा गया है, डूंगर कॉलेज की ओर से करवाई गई पीटीटी 4 वर्षीय बीएड परीक्षा का परिणाम रविवार को जारी होगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी रविवार को सुबह 10 बजे राजकीय डूंगर महाविद्यालय में पीटीटी 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड का परिणाम जारी करेंगे। पीटीटी की परीक्षा 8 सितंबर को आयोजित की गई थी। अब फ्रेंड्स मैं ले चलता हूँ आपको उस ट्वीट पर जिस ट्वीट में जानकारी दी गई थी कि आज के दिनांक में सुबह 10 बजे परिणाम जारी होगा। यह है वो ट्वीट जो कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी द्वारा किया गया है। इस ट्वीट के अनुसार दिनांक 19 सितंबर 2021 रविवार को प्रातः 10 बजे राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के पीटीटी कार्यालय में पीटीटी परीक्षा परिणाम को जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस ट्वीट को देखने के बाद एक बात ये लगती है कि भाई 2 वर्षीय तथा 4 वर्षीय दोनों ही परिणाम जारी होंगे आज अभी 10 बजे यानी करीब 1 घंटे बाद। लेकिन फ्रेंड्स भास्कर की ये जो खबर है इस संशय को दूर कर देती है। भाई साफ और स्पष्ट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 4 वर्षीय कोर्स का परिणाम है जो अभी 10 बजे आएगा, 2 वर्षीय वालों का अभी 10 बजे मेरे ख्याल से नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तकलीफ नहीं लेनी है, बस बताना है कि 2 वर्षीय का भी आएगा या नहीं, क्योंकि क्लियर कर रहा है ये भास्कर न्यूज़पेपर कि भाई 4 वर्षीय कोर्स का परिणाम ही अभी 10 बजे आएगा। भास्कर की एक और न्यूज़ में आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। इस न्यूज़ के अनुसार लिखा गया है कि इस माह के अंत तक आएगा बीएड प्रवेश का नतीजा, 1.5 लाख है प्रदेश में बीएड की सीटें। तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, साफ और स्पष्ट है कि भाई 4 साल वालों का जो भी है परिणाम वो आज की डेट में आ जाएगा, जिसमें कि करीब 1.5 लाख के करीब बंदे बैठे हैं। और उसके बाद अगर 2 वर्ष की बात करते हैं तो 2 वर्ष वालों का भी परिणाम अभी करीब 2 वीक के अंदर अंदर आ जाएगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं इस रिजल्ट को आप महज 2-3 सेकंड में किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल में जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं सिंपली उसको ओपन करना है। देन इसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है पीटीईटी रास 2021 और इन कीज को टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इन कीज को टाइप करके सर्च करती तो आपके सामने कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है pttras2021.com, इसका लिंक आएगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं पीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप 4 वर्षीय विद्यार्थी है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे और अगर आप 2 वर्षीय विद्यार्थी है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने संबंधित कोर्स पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहां पे आप देख सकते हैं जो रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का यहां पे ये लिंक आ रहा है, यहीं पर आपको पीटेट रिजल्ट का लिंक भी देखने को मिलेगा। तो उस लिंक पर जाकर आप जैसे ही अपनी डिटेल्स सबमिट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। टेंशन नहीं ले, मैं आपको 2-4 मिनट का एक वीडियो और दूंगा अभी 10 बजे, उसको देखकर आप बिल्कुल निश्चिंत तो हो जाएंगे। तो ये तो थी फ्रेंड्स आपके पीटेट रिजल्ट 2021 की कहानी। अब और कुछ सुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भूतपूर्व कोई गलती कर रखी है तो आप उसको आज ही सुधार लें, क्योंकि फ्रेंड्स ये दिक्कत देती है जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, जब आपको सिलेक्ट अलॉट हो जाती है उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो अगर आपके नाम, आपके फादर नाम या फिर आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके कैटेगरी
इनमें से या फिर अन्य कोई मिस्टेक आपने अपने फॉर्म में कर रखी है तो प्लीज़ आप इसी पीटीएट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और यहाँ पर जो आपको रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देखने को मिल रहा है सिंपली आप इस पर क्लिक करें और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपनी डिटेल्स यानी फॉर्म नंबर और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करें और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। अगर फॉर्म नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर जनरल डिटेल्स को भरकर भी इस एप्लीकेशन प्रिंटआउट को ले सकते हैं। जनरल डिटेल्स पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम, अपने फादर का नाम और डेट ऑफ बर्थ भरें और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट आपको भविष्य में भी चाहिएगा तो अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ अभी ही इसको यहाँ से आप प्रिंट ले लें या फिर इसको आप अपने जी ड्राइव या फिर फ़ोन डाटा में सेव कर लें। अब अगर आपको लगता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि कर रखी है तो आपको इसी के नीचे यहाँ पर देखने को मिलता है करेक्शन पैनल का ऑप्शन। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो भी करेक्शन हैं इसको जैसे आप फिल करके आगे बढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि भाई करेक्शन किस में करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो इससे आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा। और बाकी जिनका भी रिजल्ट आ रहा है या फिर जिनका भी नहीं आ रहा है उन दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कई सारे अभ्यर्थी रिजल्ट आने पर परेशान होंगे कि उनके रोल नंबर उनके पास नहीं है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म नंबर उनके पास नहीं है, तो प्लीज़ अब भी आप उसका बंदोबस्त करके रखें ताकि आपको उस समय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब फ्रेंड्स जाते जाते बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं एक वीडियो मेक कर चुका हूँ जिसमें कि मैंने बताया है कि अगर आपके 350 प्लस नंबर है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो। और साथ ही साथ इस बार पीटीट का पेपर थोड़ा टफ था तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि आपके 300 से 350 नंबर भी आते हैं और आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित ही कॉलेज मिल जाएगी। देन फ्रेंड्स बात कर लेते हैं भास्कर की इस खबर की जिसमें कि विश्लेषण किया गया है कितनी सीटों पर कितने बंदे हैं। तो फ्रेंड्स एक सीट के लिए यहां पर चार बंदों में लड़ाई है जैसा कि भास्कर की इस न्यूज में कहा गया है। पीटीट के इस बार एग्जाम में 5,33,000 के करीब अभ्यर्थी बैठे हैं और हर चौथे आवेदक को एक सीट यहां पर बीएड की मिलेगी। सिंपल सी बात है 1.5 लाख सीटें हैं, 6 लाख अभ्यर्थी हैं तो हर चार में से एक बंदे को सीट निश्चित ही मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स इस बार पीटेट के लिए जो आवेदन आए थे वे करीब 6,200,000 आवेदन आए थे और इसमें से करीब 67,122 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था तो वे पहले ही इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं और पीछे बचते हैं 5,33,000 अभ्यर्थी। देन फ्रेंड्स बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलेज की। तो यहाँ पर 1400 के करीब आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलेज हैं जिसमें कि 1.5 लाख सीटें हैं। तो 5,33,000 अभ्यर्थियों में से 1.5 लाख सीटें आवंटित की जाएगी यानी 3,83,000 अभ्यर्थी के करीब यहां पे सीट से वंचित रह जाएंगे। अगर बात करते हैं कोर्स के अकॉर्डिंग तो जो 2 वर्षीय कोर्स है उसमें करीब 87.5% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है और साथ ही 4 वर्षीय कोर्स में थोड़ा टफ है 91.9% अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इसका एग्जाम दिया है। और सिंपल सी बात है कि इस खबर के अनुसार यहाँ पे ये कहा गया है कि पीटीट का जो परिणाम है वो आपके इस माह के अंत तक घोषित कर दिया जाएगा और आज के डेट में 4 वर्षीय परीक्षा का परिणाम आना चाहिए। 2 वर्षीय का आता है या नहीं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बाकी देखते हैं 10 बजे मैं खुद एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा आपके लिए वीडियो मेक करने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। उसको मैं करीब 10:05 पर आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट सूचनाएं दी हैं। पहली इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट पास में नहीं है तो अभी भी उसको प्रिंट करें क्योंकि उसके बाद रिजल्ट आने के बाद उस लिंक को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए। दूसरी सूचना मैंने आपको ये दी है कि आज की डेट में 10:00 4 वर्षीय कोर्स का परिणाम आएगा, 2 वर्षीय का आता है या नहीं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तीसरी सूचना मैंने यहाँ पर आपको ये दी है कि आप किस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। सिंपल सी बात है जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वहीं पर आपको रिजल्ट का लिंक देखने को मिलेगा। चौथी सूचना मैंने यहाँ पर दी है आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट और सीट्स के बारे में, साथ ही इसमें कितना टफ और कितना और अंतिम सूचना यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि फ्रेंड्स मुझे एक्सपीरियंस है पीटीट के बारे में कि करीब
लास्ट 5 साल से तो मैंने देखा है कि भाई इतना कंपटीशन टफ नहीं होता है। विद्यार्थी कई सारे परेशान हैं, जबकि उनके 400 प्लस नंबर भी आ रहे हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें सीट अलॉट नहीं होगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 350 नंबर अगर आपके पास आ रहे हैं इस बार, तो आपको निश्चित ही कॉलेज की सीट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आज सुबह की 10 बजे की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं केवल 500 लाइक्स, तो प्लीज़ ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।